देना। सामने हो रही है पैराग्लाइडिंग। बंजांग का मतलब समझाना तो नंदा। जय हिंद जय नेपाल। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ। और जैसे आप लोगों को पता ही है कि इस समय मैं हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ नेपाल पोखरा में। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और जितनी मोटिवेशन मिलेगी उतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे। तो आज मैं अपने भांजे भांजी को लेके जा रहा हूँ आउटिंग के लिए। तो मैं उन्हें ले जा रहा हूँ अन्नपूर्णा केबल कार के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फेवा लेक पहुँचना पड़ेगा। तो फेवा लेक का भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को नेपाल में होती है छुट्टी। तो फाइनली आज मुझे भांजे भांजी को आउटिंग कराने का मौका मिल रहा है। तो चलो निकलते हैं फेवा लेक के लिए और सीधा मिलते हैं आपसे फेवा लेक में। तो ये रही हमारी आज की टीम। मेरा भांजा ये द्वारव और ये मेरी प्यारी भांजी मामा से शर्माती रहती है, बात नहीं करती है, वैसे बोलती रहती है, पक 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 करती रहती है, लेकिन मामा के सामने अभी बिल्कुल चुप रहती है। तो ये हमारी टीम आज निकल रही है। कहाँ के लिए निकल रहे हैं हम? हाँ अनुकूल कहाँ निकल रहे हैं? ये तो क्या बन जाए, हाँ सुनो, हाँ बैठ उधर बैठ के सामने कैमरे के सामने अन्नपूर्णा केबल कार एंट्रेंस 2073। तो ये रहा केबल कार, वे टू केबल कार। तो पहुंच गए हम केबल कार के पास। तो ये रहा सामने फेवा लेक और ये टिकट काउंटर है कहीं आगे है शायद। तो चलो निकलते हैं हम। आइए ₹3,555। तो हमारा कुल फेयर लगा, इधर खड़े हो जाना, हमारे जो है इतनी कंपनी का जो फेयर लगा वो लगा ₹3,505। तो चलो 5 मिनट की राइड बता रहे हैं और 5:30 बजे क्लोजिंग टाइम है। तो चलो निकलते हैं हम केबल कार के लिए। अनुष्का बोल रही है कि यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं। ओहो अनुष्का लुकिंग वेरी हैप्पी। अच्छा 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 टिकट नंदा टिकट दिखा। बैठ गए हम। ओहो अनुष्का
अनुष्का कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये देखो हम नीचे से आए हैं। ओह माय गॉड, वो देखो यहाँ से व्यू दिख रहा है, वो ऊपर देखो, ये देखो ये केवल कार जा रही है नीचे की तरफ। ये ज्यादा चढ़ाई वाला स्लो वाला। हाँ, वो देखो केवल कार गई नीचे और सामने नीचे पोखरा व्यू दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा लेक साइड व्यू ही दिख रहा है मेनली, बट अमेजिंग अमेजिंग। उधर बैठ के देख गाइस, हाय गाइस, अनुष्का की तरफ से हाय गाइस। क्या खतरनाक चढ़ाई पे चढ़ रहा है। दोबारा बोल, क्या बोल रही है तू? मेरे मामा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वाओ, और क्या? आल्सो शेयर, शेयर भी, शेयर एंड कमेंट प्लीज, शेयर एंड कमेंट, और बेल आइकन दबा देना, बेल आइकन को भी दबा देना। समझ गए, समझ गए। और अनुकूल मेरे भांजे, मेरे प्यारे भांजे, कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा, मामा के ब्लॉग में तू आ गया है? फर्स्ट टाइम। हां, फर्स्ट टाइम है ना? काले काले, फर्स्ट टाइम है ना? फर्स्ट टाइम किसमें था तू? ये तो केबल कार के कारण ये इलाके अच्छे लग रहे हैं, अभी डेवलप हो गए ना। ये तो पहले कहाँ, इधर गाँव के घर, देखो गाँव के घर, और ये आ रही है। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं सारंगकोट में, अन्नापूर्णा केबल कार के दूसरे एंड में। पहला एंड तो वही है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। मेरी भांजी को देख के मैं बड़ा खुश हुआ। भांजी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा अनुष्का? उठियो डेंजरस, उठियो आ रहा है ना? पिंक खेलने थियो जो क्लिफ में खेलते नहीं थे। अच्छा ओए बाबू, तुम पूतिया बहुत हरी है। हां कहां मम्मी? हाय तेरा डॉल लाग तो ना, दादा ले रहा बदल के से आने। ये तो डॉल लाग गया दादा। लो जी, तो फाइनली वी आर इन एंड एट द सेकंड एंड ऑफ अन्नपूर्णा केबल कार। दरवाजा खुल जाएगा अपने आप ही, सामने हो रही है पैराग्लाइडिंग। इसको दुई जना बस्नु भएको आशय छ, एक जनाको पाँच छ। अनुकूल गर्न सक्छ दुई जना भन्ने एउटा जाने कति? 500 जनाको 500 दुई जाने भए आश्रमिक छ। यो जिप लाइनमा अनुकूल गर्न सक्छ, तबले गर्न सक्छ। चल चलते दोस्त। तो ये सामने लिफ्ट है, लिफ्ट से भी आप अप डाउन कर सकते हो। हमें पता नहीं था और हमने सीढ़ियां ही फॉलो की। ऊपर क्या कैफे है, क्या है ये? रेस्टोरेंट चेहरा, रेस्टोरेंट तो ये रहा भंजांग विलन। चलो चलो जाम जाम, चलो हाँ। नमस्कार नमस्कार, नमस्ते। वही कर लेंगे ना, कुछ खाना पीना पूरी कर लेंगे। ये पूरा भंजांग विलेज बताया हुआ है ये। कितना दिमाग लगाया देखो, कितना अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा बनाया, अच्छा बनाया।
तो खा लेंगे। ये देखो गेट इधर भी बनाया गया है। वाओ देख गांव की तरह बनाया हुआ है देखो। हाँ पूरा गांव की तरह बनाया हुआ है। हाँ हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ पहले। दिस वे दिस वे। भंजांग विलेज। रेस्टोरेंट एरिया। चलो आओ खाते हैं। नो सर्विस एट व्यू पॉइंट। और आप पोखरा नीचे चलो व्यू पॉइंट में। नो सर्विस एट व्यू पॉइंट। हाँ ये काफी अच्छा बनाया है ना। ओह ब्यूटीफुल। ये दूसरा एंड है ना। हाँ था क्यों मेरा वो भांजी था क्यों पर क्यों नहीं आना। क्योंकि यहाँ पर थक जाते हैं। थक जाते हैं। हाँ। थकने के लिए तो आए। नहीं थकने के लिए नहीं आए, ठूसने के लिए आए। ठूसने क्या ठूसने आए हैं? खाना ठूसने आए हैं। चलो खाना भी वो देखिए। हाँ तो ये है अदर साइड ऑफ पोखरा। जो मैंने पिछली आपको पोखरा का व्यू दिखाया था वो अदर साइड का था, लेक साइड का। और ये जा रहा है आगे बांगलू में जाने वाला। ये देखिए टाइम का पता नहीं चलता है। 3 साल में जब हम लास्ट टाइम आए थे कोरोना से पहले तो ये इलाका कुछ और था, और 3 साल बाद जब हम आए हैं तो ये इलाका कुछ और है। लास्ट टाइम हम जो इंडिया से गाड़ी लेके आए थे उसमें ही आए थे सारंगकोट महेंद्र पाजी के साथ, तो व्यू कुछ और था और ये डेवलप हो रहा था। और आज देखो केबल कार से लेक साइड से ही हमने केबल कार से यहाँ पहुँच गए हैं और व्यू बिल्कुल चेंज लग रहा है। लग नहीं रहा है ऐसे कि हम कोई पहले वाली जगह में आए हैं, फिर अनजानी सी लग रही है जगह। ये देखिए मेरे पीछे, नहीं मेरी भांजी को नहीं, मैं उस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। वो तब बन रही थी 3 साल पहले। लो करो चीयर्स, करो चीयर्स चीयर्स चीयर्स। तो हम आए अभी एक कैफे में और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ बाहर का। और सामने जो ये घर है काफी प्यारा है। पूरा मामा पे गई है, भूखी है पूरी मेरी तरह। जहाँ खाने को मिल जाए बस मस्त हो जाओ। मेरे भांजे ने काम ही खाया। तेरा चिड़ी जैसा तेरा पेट है और क्या। तो काफी अच्छा लगा यहाँ भंजांग विलेज में आके। पोखरा लेक साइड से आपको ये जो केबल कार मिल जाएगी सारंगकोट के लिए, देन उसके आगे भंजांग विलेज है। यहाँ से सारी सारी के सारा व्यू दिख रहा है यहाँ से। और बहुत से फॉरनर आए हुए हैं बाहर। तो ये रूम्स वगैरह है। हाँ तो मामा के साथ वापस जा रही है भंजांग विलेज। भंजांग 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 का मतलब समझाना तो नंदा। हिंदी हिंदी में बोल। क्या बोल? पहाड़ के पहाड़ के ऊपर प्लेन जगह होती है। प्लेन हो जाना। अच्छा उसको जगह होती है उसे भंजांग। जैसे उसको भंजांग कहते हैं। जैसे कि पोखरा इज सराउंडिंग बाय माउंटेन सो इट इज कॉल्ड वैली। हां अच्छा ओके ओके ओके। तो मैं यहां से एक रील बना लेता हूं, बड़ी प्यारी आ रही है। ये भी बड़ा अच्छा। ये पुराने टाइप के घर है, इसको मॉडिफाइड कर दिया हुआ है और आजकल यही फेमस है। और मॉडिफाइड कितना अच्छा लग रहा है ये। लोग पुराने चीजें देखते हैं ना।
और ये भंजांग विलेज। चलो वापस निकलते हैं, बहुत हो गया टाइम यहाँ पर हमें तो। बहुत से मोस्टली टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर। अनुष्का को मजा आया कि नहीं आया? कितना मजा आया? बहुत मजा आया। अनुकुल को भी आया ना? अनुकुल आया कि नहीं आया? पर अनुष्का ने ज्यादा खाई, ज्यादा खाई। चलो इसको ज्यादा भगाओ अभी। तो पहुंच गए हम टावर कैफे में, जस्ट लाइक अ टावर है। फर्स्ट पे लो सामने पेवल एक का कुछ पार्ट दिख रहा है, और सामने हो रही है पैराग्लाइडिंग। ये हो रही है पैराग्लाइडिंग यहाँ पर। हमारा आ गया डिपार्चर टाइम। तो फाइनली डिपार्चर टाइम। ये आ गया हमारा कोच गंडोला। प्राइवेसी चाहिए ना, पैसा खर्चे है थोड़ा, फोटो वीडियो शोर मचाना तो है कि नहीं है। एंजॉय करने आए हैं और क्या भाई, भी बंद नहीं छोरी मत रे आके। अच्छा ऑटोमेटिक बंद हो जाए तो और भी सही गए हम लोग, बंद ना सके अब हम उड़ने वाले हैं। उड़ने वाले ओ भगवान को मंदिर जा जय टावर बनी रहे रहे। तो बाय बाय सारंगकोट। मेरा भांजा खुश, मेरी भांजी खुश, तो भांजी मैं एकदम मोर हैप्पी, मोर हैप्पी। या हमले पूरा फेवाताल को पुछड़ समय न पाए। हां सही बात है, कितना फैला हो ना फूलो। हां अब आनी डिज्नीलैंड अंदर। यहां से पोखरा का व्यू दिख रहा है, ये रहा लेक साइड पोखरा, और वो सामने पीछे फुल पोखरा। माय गॉड मैं चाइनीज गुम्बा बटा देखे थे यहाँ पे। ओहो ओ तो मेरे पीछे व्यू आ रहा है पानी का, लेक साइड पोखरा का, पानी का नहीं आ रहा पानी का, पानी का। ये मेरे पीछे फेवा ताल है, और सामने शांति स्तूपा, और वो रहा शिवा का स्टैच्यू, भगवान शंकर हर हर महादेव। चाइनीज़ तो बस हम अपने स्टेशन में पहुंचने वाले हैं। ये तो को हाउसिंग यो रह चुकी क्यों यो गाइस, तो क्यों बंदो शीशा पे मेरे ड्राइंग वाला पोखरा इज अल्टीमेट। ये देखिए वाओ ये मैं लव पर्सन से वन। अगर ये मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अनुष्का लो जी आ गया अपना एंड पॉइंट। देखते कैसे पैसा लेगा, फ्री में थोड़ी करेगा कोई। देखते हैं खुल जा, खुल खुल जा, नहीं खुला ये खुल जा सिम सिम, और चलो चलो फाइनली एंड आवर जर्नी। ये पहुंच गए हम भाट भटेनी में।
और ये मेरे घर वाले एंजॉइंग आइसक्रीम। मैं बाहर से भी एक लुक दे देता हूँ आपको भाट बटेने की। मैरी क्रिसमस। और ये कुछ स्टॉल्स हैं। वेलकम टू ग्रेट शॉपिंग एक्सपीरियंस भाट बटेने सुपर स्टोर। तो ब्लॉग को करते हैं भाट बटेनी से एंड। अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। हर हर महादेव। ये देखिए पूरा है ये भाट बटेनी। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा विद फैमिली, मतलब मज़ा आ गया। जब से नेपाल में आया हूँ मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मज़ा आ रहा है भाई, फुल पैसा वसूल। अगेन क्रिसमस का ट्री दिखा देता हूँ।